डेस्कटॉप पे पड़ा है, इसी टेस्ट फॉर्म को ओपन करते हैं, ठीक है, और इसी में आगे जो है ना चेंजेस करते हैं। इसका फॉर्म खोल लिया, कैनवस पे देखते हैं कैनवस में क्या है। ठीक है, ये एम्प्लॉय का फॉर्म था, इसका जो साइज है ना, इसका जो हाइट है वो हाइट थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। ठीक है, हाइट थोड़ी ज़्यादा है, ये जितने आपके जो इस पर जो टेक्स्ट बॉक्सेज है ना, इनकी हाइट ज़रा ज़्यादा है। ठीक है, इसकी हाइट छोटी कर ली, ये जो आपका जो स्क्रॉल बार है इसकी हाइट भी थोड़ी सी छोटी कर ली, और इसको मैं थोड़ा सा इसे भी छोटा कर लेता हूँ, ये जो फ्रेम है। ठीक है, अब सही है ना, पहले वो बहुत ज़्यादा उसकी हाइट ज़रा ज़्यादा थी। अच्छा, इसमें मज़ीद क्या क्या काम हो सकते हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले दूसरा करते हैं, इस फॉर्म को ज़रा रन करते हैं ना, और इसमें एक चीज़ आपको दिखानी थी। क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपकी जो है रिकॉर्ड्स आपको दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इस टाइम पे करंट रिकॉर्ड जो है ना वो कौन सा है, वो पहला रिकॉर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड आपका इस टाइम पे करंटली आपका करंट रिकॉर्ड है। ठीक है, तीसरा रिकॉर्ड आपका अब करंट रिकॉर्ड है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, इसमें टैब की मैं प्रेस करूँगा ना तो आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड के ऊपर जंप कर रहे हो। यहाँ पर जब आप इस हायर डेट के ऊपर आते हो ना तो टैब की जब आप दोबारा प्रेस करोगे तो ये इसी करंट रिकॉर्ड में ही आपकी टैब जो है, यानी कि ये जो है इसी फील्ड के अंदर फिर रहा है। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अगर आप चेंज कर लो, आप चाहते हो कि यार आप अगर हायर डेट में आ चुके हो, फॉर एग्जांपल आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो और मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हो, तो उस केस में हायर डेट के ऊपर यानी कि टैब की प्रेस करने से आप ये चाहते हो कि आपका जो कंट्रोल है ना वो यहाँ पर आ जाए, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। आप यहाँ पर नया जो एम्प्लॉई है उसका एम्प्लॉय नंबर दे दें, फिर टैब की प्रेस करें, आप ई नेम पर आ जाएँ। ये तो ठीक है, ये फीचर सही है, काम कर रहा है। जैसे ही आप हायर डेट के ऊपर आ जाएँ तो नेक्स्ट रिकॉर्ड यानी कि जो एम्प्टी रिकॉर्ड एम्प्टी रो है उसकी एम्प्लॉय नंबर के अंदर आपकी टैब वाली जो की है वो आपका कंट्रोल आपको उसमें लेके चला जाए। ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ जो अभी हम देख रहे हैं थोड़ी देर में वो ये होगा कि आपका जो करंट रिकॉर्ड है ना उसका कुछ इतना वो खास पता नहीं लग रहा कि इसमें करंट रिकॉर्ड कौन सा है। अभी तो चलो ठीक है, आपने ये की जो है डाउन वाली की आपने की है तो इससे आपको यानी कि एम्प्लॉय नंबर के हाईलाइट होने से आपको पता लग रहा है कि ये आपका करंट रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट करो, चलो मैं जो हूँ अपना माउस क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब तो सिर्फ यहाँ पे एक माउस का एक कर्सर है, उसके अलावा तो आपको शायद नहीं पता लग रहा सही कि प्रॉपर आपका यानी कि जो करंट रिकॉर्ड है वो कौन सा है। तो उसके लिए उसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पे इसको बंद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं इसका जो टैब ऑर्डर है ना, इसको टैब ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है एक आपके इस ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर आ जाए, विंडो का मेन्यू है इसमें ऑब्जेक्ट नेविगेटर है। ऑब्जेक्ट नेविगेटर के अंदर ये एम्प्लॉई ये आपका डेटा ब्लॉक है। ठीक है, इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे ना तो इसकी आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएंगे, इसका जो प्रॉपर्टी पैलेट है वो ओपन हो जाएगा। प्रॉपर्टी पैलेट में ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है जिसका नाम नेविगेशन है। नेविगेशन के अंदर नेविगेशन स्टाइल जो है ना ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपने चेंज करनी है वो टैब के लिए। ठीक है, इसमें देखें नेविगेशन स्टाइल के बारे में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि हाउ टू प्रोसेस नेक्स्ट और प्रीवियस आइटम व्हेन फोकस इज लास्ट और फर्स्ट नेविगेबल आइटम। तो यहाँ पे सेम रिकॉर्ड हो रहा है, सेम रिकॉर्ड का मतलब ये कि हायर डेट जो आखिरी आपका फील्ड था ना उसमें जो आपने टैब की प्रेस की थी ना तो आपका जो एम्प्लॉय नंबर जो कि उसी रिकॉर्ड का जो एम्प्लॉय नंबर है उसी वही आपका हाईलाइट हो जाता था। तो यहाँ पे सेम रिकॉर्ड नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं चेंज रिकॉर्ड के नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आपका कर्सर चला जाए जब मैं टैब की प्रेस करता हूँ ना हायर डेट के ऊपर,
तो नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर आपका कर्सर चला जाए। एक काम तो हमने ये कर लिया। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि करंट रिकॉर्ड का कुछ पता नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो करंट रिकॉर्ड है ना, वो एक खास उसका खास एक कलर में वो आ जाए, यानी कि उसका फॉन्ट भी थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है, फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाए, और वो कंप्लीट जो रो है ना, कंप्लीट रो का कलर भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये करना पड़ेगा आपको कि बाकी सारी चीज़ों को मैंने जो है इसको कैनवस को भी मैं जो हूँ मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है, इसको कहते हैं विजुअल एट्रीब्यूट्स। नज़र आ रहा है ये विंडोज़ से सबसे ऊपर, विंडोज़ के ऊपर विजुअल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसको मैं एक नया मैं विजुअल एट्रीब्यूट बनाता हूँ। विजुअल लफ्ज किस से निकला है? कोई चीज़ देखना, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स यानी कि आप कोई एट्रीब्यूट कुछ फीचर्स देना चाहते हो, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे अभी हम करंट रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आप फॉन्ट का कलर क्या देना चाहते हो, फॉन्ट कौन सा देना चाहते हो, फॉन्ट का स्टाइल क्या देना चाहते हो, ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर कौन सा आप सेट करना चाहते हैं, तो वो अभी हम यहाँ पे सेट करेंगे इस विजुअल एट्रीब्यूट्स के ज़रिए से। और अभी इस टाइम पे आपके इस फॉर्म में किसी किस्म का कोई भी विजुअल एट्रीब्यूट नहीं बना हुआ है, ठीक है। नया विजुअल एट्रीब्यूट बनाने के लिए या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो, या इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करके ये प्लस का साइन है इसे क्लिक कर ले, तो आपको ये नया विजुअल एट्रीब्यूट बन गया। इसका जो नाम है ना, वो कोई मीनिंगफुल नाम नहीं है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, माई अंडरस्कोर करंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड इसका मैं नाम रख देता हूँ कि भाई ये जो विजुअल एट्रीब्यूट होगा ना, ये स्पेसिफाई करेगा मेरे करंट रिकॉर्ड को। किसके करंट रिकॉर्ड को? ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो आपको फॉर्म दिखाया था, एम्प्लॉई का फॉर्म था ना, उसके करंट रिकॉर्ड को ये विजुअल एट्रीब्यूट उसको स्पेसिफाई करेगा, यानी कि जो विजुअल एट्रीब्यूट मैं इधर दूंगा, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे करंट रिकॉर्ड का विजुअल एट्रीब्यूट बन जाए, ठीक है। अब विजुअल एट्रीब्यूट को सेट करना है, यानी कि अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अब मैंने देने हैं, सेट करना है, तो इस पर डबल क्लिक करें तो आप इसकी प्रॉपर्टी पैलेट में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, नाम तो हो गया, ठीक है ना, बाकी हमारा काम जो है कलर के साथ है। फोरग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर को कहते हैं, ठीक है, फोरग्राउंड कलर इसमें टेक्स्ट कलर को कहते हैं, बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है, ठीक है ना। तो फोरग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये बटन है फोरग्राउंड कलर चेंज करने का, इसको आप क्लिक कर लें, आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पे कलर्स की ऑप्शन अवेलेबल है, आप टेक्स्ट कौन से कलर में दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस कलर को जो कि डार्क रेड है। बैकग्राउंड कलर, किस बैकग्राउंड कलर में आप दिखाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, मैं यहाँ से जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर ग्रे 20 इस कलर का नाम है, ठीक है। फिर ये कर लेने के बाद फॉन्ट की बारी आएगी। फॉन्ट आपने अगर चेंज करना है, किस फॉन्ट में आपने दिखाना है अपने करंट रिकॉर्ड के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उसको आपने कौन से फॉन्ट में दिखाना है, बहुत सारे फॉन्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, कोई सा भी फॉन्ट मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बाकी सारे बहुत सारे फॉन्ट्स आपको इसके अंदर अवेलेबल होंगे, मैं टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर फॉन्ट का साइज़, ठीक है ना, फॉन्ट का साइज़ यानी कि 10 पॉइंट्स होना चाहिए, 11 पॉइंट्स होना चाहिए, 12 पॉइंट्स होना चाहिए, मैं इसको जो है ना तो 10 कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट का वेट क्या होना चाहिए, यानी कि वो इसमें अल्ट्रा लाइट है, एक्स्ट्रा लाइट है, डेमी लाइट है, मीडियम, डेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, अल्ट्रा बोल्ड, ठीक है, ये इसका वेट है, यानी कि वो आपको कितना हल्का या कितना आपको मोटा नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ डेमी बोल्ड कर लेता हूँ, यानी कि कंप्लीट बोल्ड नहीं है, ठीक है ना, कुछ सेमी बोल्ड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट का स्टाइल, आपको फॉन्ट जो है वो प्लेन चाहिए, आइटैलिक चाहिए, ओब्लीक है, अंडरलाइंड है, आउटलाइंड है, शेडोड है, इन्वर्टेड है, ओवर स्ट्राइक है, ब्लिंक्ड है, आप इसमें कोई सभी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसको प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉन्ट स्पेसिंग, स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स की बात हो रही है, आप इसमें मैं इसको जो है ना नॉर्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ, समझ आ रही है इसकी, ठीक है। ये आपने अपना विजुअल एट्रीब्यूट सेट कर दिया, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। अब क्या है, विजुअल एट्रीब्यूट तो बन गया है ना, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस विजुअल एट्रीब्यूट को कनेक्ट करना है, यानी कि आपने आपका जो ये जो ब्लॉक है ना, डेटा ब्लॉक जिसका नाम ईएमपी है, ठीक है, इस ईएमपी डेटा ब्लॉक के करंट रिकॉर्ड को आपने ये विजुअल एट्रीब्यूट अब असाइन करना है। बना तो दिए विजुअल एट्रीब्यूट, अब आपने उसको असाइन करना है। असाइन करने का तरीका सिंपल सा है, आप ईएमपी ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करें और इस ईएमपी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाएँ, ठीक है, जैसे हम पहले गए थे ना नेविगेशन की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, ठीक है, उसी तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। यहाँ पे आपको मिलेगा रिकॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज़, रिकॉर्ड्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें ये पहला ऑप्शन है करंट रिकॉर्ड विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप के, मेरा जो ईएमपी ब्लॉक है ना डेटा ब्लॉक, इसमें जो ईएमपी डेटा ब्लॉक के जो करंट जो रिकॉर्ड होगा, करंट रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, करंट रिकॉर्ड वो जो कि इस टाइम पे एक्टिव है, ठीक है, तो करंट रिकॉर्ड को का विजुअल एट्रीब्यूट कौन सा होना चाहिए। तो मैंने तो एक विजुअल एट्रीब्यूट बनाया हुआ है ना,
तो फिलहाल तो नल है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। आपने जो है यहाँ पे माई करंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड ये मैंने बनाया हुआ है ना, तो ये मैं उसको असाइन कर देता हूँ। इस तरीके से इसकी असाइनमेंट हो गई। इसको हम कर लेते हैं सेव और इसको हम कर लेते हैं रन। तो अब इसका जो करंट एट्रीब्यूट है, करंट रिकॉर्ड का जो विजुअल एट्रीब्यूट है वो मैंने उसको मेरा दिया हुआ एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, समझ आई इसकी? ठीक है, अब करते हैं क्यूरी में एग्जीक्यूट। तो अब ये देखें, ये आपका जो करंट रिकॉर्ड है ना, अब इसका पता लग रहा है कि ये आपका करंट रिकॉर्ड है इस टाइम पे। ठीक है, अगले रिकॉर्ड पे आ जाए, फिर अगले पे, तो ये जो है थोड़ा सा बाकी उसे मुख्तलिफ है। उसका बैकग्राउंड कलर चेंज है, उसका फॉन्ट चेंज है, फॉन्ट का जो बोल्डनेस है उसकी वो चेंज है बाकी उसे। हो सकता है कि साइज़ भी चेंज हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है साइज़ थोड़ा छोटा है मेरे ख्याल में। ठीक है, समझ आ रही है इसकी? तो ये सिर्फ हमने इसलिए किया था ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारा जो करंट रिकॉर्ड है ना वो इस टाइम पे कौन सा करंट रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये करंट रिकॉर्ड को आपने विजुअल एट्रीब्यूट दे दिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने कैनवस के ऊपर। ठीक है, और कैनवस में इस तरह करते हैं ना कि यहाँ पे तो बाकी तो ठीक है, ये आपकी जो एम्प्लॉय नंबर हो गया, ई नेम वगैरह, ये तो आपकी टेबल की फील्ड्स है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि एक कैलकुलेटेड आइटम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कैलकुलेटेड आइटम ऐसा आइटम जो कि आपके डेटाबेस का आइटम नहीं है, ठीक है, जो कि वक्ती तौर पर आपको नज़र आएगा, जिसकी वैल्यूज़ जो है ना वो डेटाबेस में से कैलकुलेट होकर आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जो सैलरी का जो कॉलम है ना, सैलरी का कॉलम जो है इसको मैं कर लेता हूँ छोटा। ठीक है, कमीशन का जो कॉलम है इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव कर लेता हूँ। बराबर स्पेसिंग, ठीक है, और इस कॉलम को भी मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। और इसका साइज जो है वो, ये आपको डिजाइनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं एक फील्ड दिखाना चाहता हूँ जो कि डेटाबेस की फील्ड नहीं है। वो क्या होगी? वो सैलरी और कमीशन का सम यहाँ पे नजर आना चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसी को ही कर लेता हूँ कॉपी और यहीं पर इसको कर लेता हूँ पेस्ट। इसको यहाँ पे कर लेते हैं मूव। गैप इसका देख लेते हैं। ठीक है, गैप बस इतना इतना काफ़ी है। और इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा, विड्थ वाइज इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कमीशन। ये कमीशन नहीं होगा, ये होगा आपका फॉर एग्जांपल नेट सैलरी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देते हैं। नेट सैलरी यानी कि वो सैलरी प्लस कमीशन की वैल्यू आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ में एक तो इसका नाम जो है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ नेट। ठीक है, नाम इसका नेट रख दिया। ये टेक्स्ट आइटम है यानी कि इसके अंदर एडिटिंग हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि एडिटिंग ना हो, तो मैं इसको चेंज कर लूँगा एज इसकी जो आइटम की जो टाइप है ना वो मैं इसको बना लूँगा डिस्प्ले आइटम। डिस्प्ले आइटम सिर्फ आपको नज़र आएगा, वैल्यूज़ उसमें आपको नज़र आएंगी, चेंजेस नहीं कर सकते आप उसके अंदर। ठीक है, और चेंजेस करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि तो डेटाबेस का आइटम है भी नहीं। समझ आ रही है बात की? ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पे डेटा के पोर्शन में। यहाँ पे आपको ठीक है नंबर नज़र आना चाहिए। इसमें डेटाबेस में आ जाते हैं, ये डेटाबेस का आइटम नहीं है, इसको मैं नो कर देता हूँ। और इसको मैं फील्ड का जो वैल्यू है वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने कमीशन वाला जो फील्ड थी ना, टेक्स्ट बॉक्सेस जो थी, मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया था, तो उसी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसने ले ली थी। ठीक है, तो वो चूँकि डेटाबेस आइटम था तो इसलिए यहाँ पर येस सेलेक्ट हुआ हुआ था। समझ आ रही है इसकी? ये करने के बाद रिकॉर्ड्स में, अच्छा
उसके बाद ये हो गया। अच्छा, बाकी अब क्या है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन वाली जो आपकी कैटेगरी है, हम इसके अंदर आ जाएंगे और कैलकुलेशन मोड बताएंगे। तो कैलकुलेशन मोड बेसिकली एक फार्मूला होगा। फार्मूला क्या है जी, फार्मूला है सैलरी वाले कॉलम को और कमीशन वाले कॉलम को आपस में ऐडअप करो, तो ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा अपना फार्मूला। फार्मूला है एन वी एल का फंक्शन, पढ़ा था ना एन वी एल का फंक्शन। ठीक है, एन वी एल का फंक्शन है, ई एम पी का ब्लॉक है, टेबल का नाम नहीं है, ई एम पी इज़ द नेम ऑफ द ब्लॉक, डॉट सेल उसके एक फील्ड का नाम है, कॉमा ज़ीरो प्लस एन वी एल, ई एम पी जो ब्लॉक है उसमें कमीशन नाम की जो फील्ड है, मैं डेटाबेस के नाम, देखें ई एम पी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना वो मैं टेबल की बात नहीं कर रहा, कॉम जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो भी मैं टेबल की बात नहीं कर रहा, वो मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्सेज है ना उनके नाम ही है। ठीक है, तो उनको आप ले लो और उन दोनों को आप आपस में एडअप कर लो और उनका रिजल्ट जो है ना वो आप रख दो इस नेट नाम के टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, रो बाय रो, यानी कि हर रो का सैलरी की वैल्यू और हर रो की कमीशन की वैल्यू आपस में एडअप करो। अगर तो सैलरी की वैल्यू नल है या कमीशन की वैल्यू नल है तो उनको जीरो कंसिडर कर लो। तो वो हमने उसके लिए ये एन वी एल का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये कर लेने के बाद अब इसको करते हैं सेव और इसको रन करते हैं। ठीक है, वो अभी पता लग जाएगा, स्पेसिफाई किया है ना, उसी की प्रॉपर्टीज अभी चेंज की हैं। ये जो कॉलम है ना आपका, ये जो टेक्स्ट फील्ड है आपकी, तो ये जो टेक्स्ट फील्ड थी अभी ये डिस्प्ले आइटम बन गया, अब इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी की प्रॉपर्टीज अभी हमने चेंज की हैं, जो प्रॉपर्टीज अभी चेंज हो रही थी ना, जो प्रॉपर्टीज अभी अभी चेंज की हैं, जो प्रॉपर्टीज, खैर है दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ये पहले देख लें, इसका एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। ये नेट सैलरी आपको दिखा रहा है, सही दिखा रहा है ना, ये 20,000 है और प्लस 100, कोई ऐसी सैलरी की जिसमें कमीशन आपका नल हो या ज़ीरो हो। ठीक है, ये आपका देखें कमीशन नल है, 2850 प्लस कमीशन को इसने ज़ीरो कंसिडर कर दिया और 2850। अब इसमें आप जो है ना एंटर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्ले पर्पजेज़ के लिए है खाली। ठीक है, इसमें मैं नहीं कर सकता एंट्री। ठीक है,